क्या वाकई ब्लू व्हेल गेम ने नहीं ली किसी की जान? क्या ब्लू व्हेल गेम को बेवजह बदनाम किया गया? एक गेम जिसे कई बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा था, वो बेकसूर निकला। ब्लू गेम के जानलेवा होने की बात झूठी निकली। इस ऑनलाइन गेम को लेकर जो खौफ का माहौल था, वो कुछ और नहीं बस एक अफवाह थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है भारत के गृह मंत्रालय का। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ब्लू व्हेल गेम के मामले में बनाई गई कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT की जांच में गेम से किसी बच्चे की मौत के बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है। लोकसभा को जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि ब्लू व्हेल गेम के मामले में शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के डायरेक्टर जनरल हैं। इस कमेटी ने देश के अलग अलग राज्यों से ब्लू व्हेल गेम की वजह से आत्महत्या के तमाम मामलों की गहराई से जांच की। जिन बच्चों के आत्महत्या की बात कही गई थी, उनके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, कॉल के रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों के बारे में जांच की गई, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि ये लोग ब्लू व्हेल गेम के शिकार हुए थे। हंसराज अहीर के मुताबिक किसी मामले में भी ब्लू व्हेल गेम की वजह से जान गंवाने की पुष्टि नहीं हो पाई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने CERT का गठन किया था, जिसमें 7 मेंबर थे। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक जिन मामलों में ब्लू व्हेल गेम की वजह से आत्महत्या या आत्महत्या की कोशिश की बात कही गई थी, उनमें से किसी में भी ऐसे सबूत नहीं मिले जिससे ब्लू व्हेल गेम को जिम्मेदार ठहराया जा सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आत्महत्या के 28 मामलों में जिसकी जानकारी पिछले साल अक्टूबर में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल PV नरसिम्हा ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, अगर उसका जिम्मेदार ब्लू व्हेल गेम नहीं तो फिर कौन है, और किस वजह से इस गेम को लेकर खौफ का माहौल बनाया गया? इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।